शंभो राम जन्मभूमि रे चली छे राम कथा आमे आपन को एक्सक्लूसिव चित्र देखेबू आपन अनेक समय रे देखि थिबे रावण क्यारेक्टर बा रावण चरित्र लिभौथिबा जे व्यक्ति हेथिबे से एक पुरुष हेथिबे किंतु आम सहित एमिति गोटे ग्रुप अछंदी जो माने समस्ते महिला आ से महिला माने समस्ते किए रावण हेछंदी किए लक्ष्मण हेछंदी किए विभीषण हेछंदी तो किए राम हेछंदी विजुअल माध्यम रे आपन चिंता करंतु उत्तराखंड रु आस्तिबा ए जो महिला संगठन माने एथि राम कथा करूछंदी आ समस्ते बेस सुंदर भाव सुसज्जित होती रामायण युग को फेरी जावाई अयोध्यार जो गरिमा को आहुरी भगवामय करने राम कथा को आउ थे लोक मानक पहुँचापी ये प्रयास कर सीधासल कथा हवा महिला समिति संगठन मानक द्वारा सर पहले आपको स्वागत करती हूँ अर्गस न्यूज ओडिशा से हम आए हैं तो ये संगठन के बारे में थोड़ा हमसे बताइए फिर हम आलोचना करेंगे रावण राम और सभी कैरेक्टर के साथ ये हमारे उत्तराखंड की नंदा महिला रामीला महिला समिति है और योग समिति भी है ये महिलाएं का एक बहुत बड़ा ग्रुप है उत्तराखंड के अंदर में जिन्होंने आज तक 13 रामीला और ऑलरेडी कर चुकी थी 13वीं रामीला इन्होंने दिल्ली में की थी और इनका संकल्प था कि राम मंदिर जब बनेगा तो उस समय 14वीं रामीला जा करके हम अयोध्या में करेंगे तो आज इनका ये संकल्प पूरा हो रहा है जिसकी वजह से ये यहाँ 31 तारीख को ये लोग आ गए थे 2 तारीख से लेकर 12 तारीख तक ये रामलीला का मंचन हो रहा है। इस रामलीला की विशेषता क्या है, इसमें जितने भी पात्र हैं सब महिलाएं हैं, रावण से लेकर राम से लेकर बानर सेना से लेकर राक्षस सेना तक सब पात्र इसके सब महिलाएं हैं और ये पहली बार अयोध्या में हो रहा है। योगी जी भी आए थे कल हमारे उत्तर प्रदेश के योगी जी भी यहाँ पे आए थे, उनकी रामलीला को बहुत सराहा और उनको इतना अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि आप जब दीपावली में दीपावस्व होगा उत्सव मनाया जाएगा उस समय इस संगठन को बुलाया जाएगा उनको और इनका दोबारा यहाँ पे मंचन करवाया जाएगा। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि देखो महिलाओं को सशक्त करने के लिए ये महिलाएं अपने आप को दिखा रही हैं कि जो पात्र जो जो मनुष्य कर सकता है जो एक पुरुष कर सकता है उसमें महिला कहीं भी पीछे नहीं है। ये तो बड़ी बात है, सब कर सकते हैं, हमारी लड़कियां और महिलाएं बहुत आगे हैं। रावण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम ये महिला हैं लेकिन रावण जी के कैरेक्टर निभा रहे हैं तो उनसे बातचीत थोड़ा करेंगे। रावण जी आप बने हुए हैं लेकिन राम तो आपको बद्ध करेंगे, आप कितने खुश हैं या फिर दुख है कि आपको आज बद्ध करेंगे राम जी? बद्ध तो कल होगा रावण का, तो ये तो ये है कि बुराई पे अच्छाई की जीत, चाहे रावण है चाहे कोई और भी है, तो ये तो होना ही था, जो बुरे काम का बुरा नतीजा वो तो होना ही है जी। ये महिला होते हुए रावण की कैरेक्टर करना ये कितना संभव लगता है, कितना अच्छा लगता है और कितनी डिफिकल्ट आता है? डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है उसमें, नहीं बिल्कुल इजी लगता है, बहुत सरल, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं रावण का अभिनय कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं जैसे जी जी बोलो सीता को हरण किए हैं रामायण में या फिर कुछ ऐसा डायलॉग है आपके मन में जो हमें बता सकते हैं? हाँ मैं बोलूँगी, अपना रावण जब अपना परिचय देता है, भ्राता मेह कुंभकर्णा सकल विपुकुला भ्रात संघार मूर्तये पुत्रो मेह मेघनाथ प्रसिद्ध वदनो ये नवधो सुरेंद्र खड़गो में चंद्रहास रणमुख चपला राक्षसो में सहाया सोहम देव त्रिलोक विजयी सूर समर जयी रावणो नाम राजा शंभो। आपण देखुले जे रावण को क्यारेक्टर करथवा जने महिला रावण को भली हसिले एवं आपण को मध्य ये चित्र आमे देखौछु अयोध्या रु पौराणिक युग को समस्त फेरी छथि एवं रावण रु ये क्यारेक्टर करथिले। मैडम आप क्या बने हुए हैं आज और क्या क्यारेक्टर आज निभाएंगे आप? विभीषण, विभीषण का है आज, मैं सुशीला बिष्ट उत्तराखंड गोजर से चमोली। सालों से आप ये करते आ, 14वीं रामलीला है हमारी, ये 14वीं रामलीला है, यहाँ पर काफी समय हो गया, घर परिवार सब छोड़कर यहाँ पे आते हैं रामायण करते हैं, कितना अपने आप को आत्मसंतोष लगता है? बहुत अच्छा फील करते हैं हम कि हम अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक हैं और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तो राम का युग चल रहा है, सभी राम राम बोल रहे हैं तो हम भी बोल रहे हैं जय सिया राम।
आप क्या बने हुए हैं? मेरा नाम राजेश्वरी पंवार है, उत्तराखंड से हैं हम, चमोली जिले से मैं बिलोंग करती हूँ। तो मैं इस रामलीला में श्री राम का अभिनय कर रही हूँ, जो जय श्री राम, जो मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि हम अयोध्या में श्री राम का मंचन कर रहे हैं। और राम आप बने हुए हैं, वो ठान लाने के लिए आप क्या कुछ कोशिश करते हैं? उनके कैरेक्टर जब कोई करता है तो शांत स्वभाव, सरल होना बहुत जरूरी होता है। महिला के नाते पे ये करना कैसा अपने आप को लगता है, महसूस क्या करते हैं? देखिए, एक कलाकार के लिए होता है कि जिस किरदार को निभा रहे हैं तो उसी में घुस जाते हैं। तो हमारे लिए ये बड़ी बात नहीं है कि हम राम का किरदार निभा रहे हैं तो मैं कोई परेशानी, कुछ परेशानी नहीं है। हम भाव में बिल्कुल खेलते हैं और नहीं लगता है कि उस समय मैं राजेश्वरी हूँ। लगता है कि इस समय हमको युद्ध करना है तो रावण को मारना है, सीता का स्वयंवर है तो सीता के साथ मतलब जो प्रसंग है वो छेड़ना है, ऐसा कोई कठिन नहीं है। लक्ष्मण के लिए और जो भाई का प्रेम है वो हम रामायण में देखे हुए हैं। तो लक्ष्मण जी आप होंगे आज, तो राम जी तो अभी पधार रहे हैं अयोध्या नगरी में, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं वीरा फरसवान चमोली जिले से हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं यही कहूँगी कि इससे पहले हमने 13 रामलीलाएँ कर चुकी हैं हम लोग, और यहाँ जो ये 14वीं रामलीला में जो हमारा उत्साह है ये 10 गुना बढ़ गया है। डायलॉग क्या है आपको बता सकते हैं? जी जी, तो डायलॉग तो बहुत सारे हैं बोलने के लिए, कोई भी है? तो यहाँ पे यही है कि जैसे जब वनवास होता है, जब राम जी को वनवास होता है तो लक्ष्मण जी भी उनके साथ जाने की जिद करते हैं, तो वो हाँ मंजूरी दे देते हैं राम जी की, चलो माताओं को पूछ करके जो है चलो माताओं से आज्ञा लेते हैं। तो जब वहाँ पे जाते हैं तो माता सुमित्रा जी जो लक्ष्मण की माता होती हैं, तो वो बोलती हैं कि बेटा जहाँ पे राम का पसीना बहेगा वहाँ पे तुम अपना खून बहाना। तो उसके बाद तब मतलब वो एकदम उत्तेजित भाव जैसा आ जाता है कि मतलब वीरता का भाव, तो माता को सांत्वना देने के लिए और अपना दृढ़ विश्वास प्रकट करने के लिए कि हे माता आप चिंता मत करो, मैं आपके दूध की लाज रखूंगा माता, जो आप मुझसे आशा रखते हैं मैं इसमें खरा उतरूंगा। तो उसमें एक डायलॉग है कि वीर माता के उदर से वीर लाला जन्म ले, वीर माता के उदर से वीर लाला जन्म ले, अन्यथा उस पेट में सुत की जगह पत्थर पले, अन्यथा उस पेट में सुत की जगह पत्थर पले। तो ये डायलॉग वहाँ पे लक्ष्मण जी बोलते हैं। राम लक्ष्मण की कहानी आप सुन रहे थे, जो सबसे बड़े भक्त हैं, ये विजुअल अपन देखुछंदी जे हनुमान जी यहाँ पे हैं, सब उनसे थोड़ा बातचीत हम करेंगे। आप सब हनुमान शायद बन रहे जी, तो आप क्या बने हुए हैं? जैसे अब की रामलीला में मेरे पास दशरथ जनक और का रोल था, और अभी जैसे मैं नलनील की भूमिका में हूँ, मैं नल हूँ, ये नील है, लेकिन जनक का सुना सकती हूँ। कितना अच्छा लगता है ये सब करने के लिए, हृदय में लौटने के लिए कितना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। हमको यहाँ आके ऐसा लग रहा जैसे त्रेता युग की अयोध्या हो। मैडम इतने साल हो गया है आपको ये करते हुए, आत्मसंतोष कितना मिलता है? क्या चीज़? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत। ये प्रतिक्रिया सुनुले राम और रावण विभीषण समस्त प्रतिक्रिया सुनुले, समस्ते बहुत खुशी अच्छा उत्साहित अच्छा। ए जो रामलाला कथा आप विजुअल मध्यम देखे मध्य, मैडम आप क्या बने हुए हैं? मैं रावण सेना की, रावण की सेना वाली हूँ। आप रावण की सेना में, आप तो बद्ध भी होंगे आज जी? तो राम आने वाले, कोई बात नहीं, राम आ रहे हैं, और भी हमारे राम आनंद की बात है, राम भी आ रहे हैं। तो हमारे तो कैसा आनंद होगा, अब तो राम की युग अभी हम सेना में हैं राम की, पर सेना
रावण की सेना बनने का आनंद ही अलग है। हम रावण की सेना है, रावण की सेना है। तो हनुमान जी जय सिया राम। आपका तो बड़े जो प्रभु हैं सिया राम अभी पधारे हैं, तो आपको अयोध्या में कैसा लग रहा है? मुझे हमें अयोध्या में आके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अवधपुरी में आने का हमारा एक सपना था कि हम वहाँ पे जो रामलीला का मंचन हम हर जगह करते हैं वो हम अवधपुरी में करें, और तभी करें जब यहाँ पे रामलला की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो। कितने सालों से आप ये कैरेक्टर करते हैं? ये हम बहुत सालों से कर रहे हैं, लेकिन हर जगह पे हमने 13 रामलीला कर ली है। ये 14वीं रामलीला है। ये हमारा संकल्प था कि 14वीं रामलीला हम अवधपुरी में करेंगे। आप एक डायलॉग बताकर थोड़ा हमें सुनाइए। अब आज यहाँ पे लक्ष्मण शक्ति है, उसी का मैं एक डायलॉग सुनाती हूँ, सुनाता हूँ कि जब श्री राम कहते हैं कि संजीवनी बूटी लानी है और सूर्य उदय से पहले आपको आना है, तो उस समय सूर्य को की प्रार्थना करते हुए या उन्हें चेतावनी देते हुए हनुमान जी कहते हैं, हे सूर्य देव छिपे रहना तब तक, हे सूर्य देव छिपे रहना तब तक, जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं, जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं, उस समय उदय होना भगवन, जब ये संकट मिटा दूं मैं, मेरे आने से पहले यदि, हे सूर्यदेव मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा, तो सूर्य वंश में सूर्य देव निश्चित ही अंधकार होगा। जय सिया राम। निहत भावे ये प्रतिक्रिया देखुले समस्ते महिला मैंने जो भाव में क्यारेक्टर अच्छा एवं रामलाला कथा पौराणिक कथा वर्तमान आलोचना होमायण जुग को फेर शेष प्रतिक्रिया नवा मैडम आप भरत बने हुए हैं शायद, तो राम के युग में हम लौट रहे हैं, अभी अयोध्या में आप 14 बारी ये राम कथा कर रहे हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है? जय श्री राम। बहुत अच्छा महसूस होता है, ऐसा लग रहा है त्रेता युग दोबारा आ गया, कलयुग में त्रेता युग आ गया ऐसा लग रहा है। परिवार छोड़कर जब आप यहाँ पे आते हैं, ये बड़ी बात है कि हम राम कथा करते हैं, लेकिन वो दायित्व ये दायित्व कैसे आप निभाते हैं? बैलेंस बनाते हैं, बनाना पड़ता है, बनाते राम को नहीं, छोड़े आप? नहीं राम को नहीं छोड़ो, राम को। निहत भाव ये प्रतिक्रिया शुणुले ये हूँ उत्तराखंड आसी महिला मैंने स्वतंत्र ग्रुप रही गत काली योगी आदित्यनाथ मध्य आसी बहुत खुशी होती महिला मैंने यही काम कर पौराणिक गाथा को मन पकाउं राम रावण लक्ष्मण समस्ते होती महिला मैंने ये चित्र आम देखल अयोध्यार और अयोध्यार ये हूँ पौराणिक चित्र बर्तमान जो रामलला विराजापी जाऊँच 14 बड़ कथा हूँ संगठन 14 थर पर ये रामलला कथा करुच्चे अयोध्यार माटी करुचे। अयोध्यार कैमरा पर्सन सुमन साहू के साथ स्वप्नांजलि महांति अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।